शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से आज पहला दिन है तेरा और आती ही दादागिरी। सर मैं कोई दादागिरी नहीं कर रहा, वो तो सर मैं ऐसे कस्टमर से झूठ बोल के धोखा दे के काम नहीं करना चाहता। मुझे लगता है ऐसे धोखा देके प्रॉफिट करना अच्छी बात नहीं है, आपको भी नहीं करना चाहिए। सर तो हमेशा ऐसे ही करते हैं और हमें भी यही करने को बोलते। चलो अच्छा है आज किसी ने आवाज तो उठाई। ए, बकवास बंद कर। तुझे हमने नौकरी पे रखा है या तूने हमें? अब तू हमें सिखाएगा कि क्लाइंट के साथ कैसे डील किया जाए? अपने आप को बड़ा चौधरी समझ रहा है? अरे औकात देखिए अपनी। ये हो गया सलाद। सब कुछ हो। ओफो, इन लड़कियों ने प्लेट्स भी नहीं लगाया है। अरे भाई तुम लड़कियों का इस घर में रहने का कोई फायदा है भी या नहीं? खाली समय बर्बाद करना आता है तुम लोगों को। आंटी काम ही तो कर रही हूँ ना। हाँ पर हमारी मदद तो करती नहीं हो। चलो कुछ काम करो तुम लोग। अरे भाभी ऋतु आ गए आप लोग। आइए आइए अंदर आइए। भाभी आप तो हमेशा की तरह समय पे ही आती हैं। आइए देखिए बहुत कुछ बना है आज। वाह वाह भाभी क्या बात है, पूरे 56 भोग बने। हम भी बेवकूफ है आपका निकम्मा अभय। हमारा मतलब है कि आपका बेटा गुणवान बेटा, उसकी पहली बार नौकरी जो लगी है तो इतने पकवान तो बनने ही थे। वैसे ऋतु हमारा अभय जब कुछ ठान लेता है ना तो वो करके ही रहता है। अब कल उसे नौकरी चाहिए थी तो आज उसे नौकरी मिल गई और हमारे हिसाब से इसे गुणवान कहते हैं। हा? सर इज्जत से बोल रहा हूँ, कॉलर छोड़िए। इज्जत से बोल रहा हूँ, कॉलर नहीं छोड़ूंगा। सर मैंने कहा मेरा कॉलर छोड़िए वरना। वरना क्या कर लेगा? वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बॉस हैं। तू भूले उसके पहले मैं तुझे तेरी औकात याद दिला दूं। दो कोड़ी के आदमी 2 साल से घर पे बैठा था, वो मैंने तुझे नौकरी दी। मेरा एहसान मांगने की बजाय ये कुत्ता हम पे ही भौंक रहा है। 2 सेकंड नहीं लगेंगे तुझे ऑफिस से बाहर फेंकने में। अरे आप क्या निकालोगे मुझे नौकरी से? नहीं आपके जैसे मक्कार धोखेबाज इंसान के साथ काम नहीं करता। अरे धिक्कारता हूँ आपकी नौकरी को मैं। जिस दिन सारा खाना तैयार है उसी दिन हम इंतजार करेंगे। अरे कहाँ रह गए सब लोग, आए क्यों नहीं अब तक? अरे भाभी अभय और श्रद्धा दफ्तर से निकल चुके हैं और अभय के पापा ने कहा कि वो भाई साहब के साथ ही आ रहे हैं, बस पहुंचते ही होंगे। लीजिए हमारे दोनों भैया 100 साल जिएंगे। नाम लिया और हाजिर। हाजिर तो होना ही था ऋतु, इतना बड़ा खुशी का मौका जो है। मुबारक हो तनुजा, बेटे की नौकरी लग गई। अरे वाह आज तो खूब पकवान बने, पर इसी बहाने हमें अच्छा खाना भी मिल जाएगा आज। अच्छा जी सबके सामने यूं पत्नी को बदनाम मत करिए, कब से हम सब इस वक्त का इंतजार कर रहे थे। और हाँ जो हमें सुना रहे हैं उनकी खुशी तो छिपी नहीं रही है। बिल्कुल सही कह रही हो तनुजा, वैसे माँ इतनी खुशी तो किसी को हो नहीं सकती, पर ये भी एकदम गदगद हुए जा रहे हैं। शक्ल तो देखो इनकी। आइए भाई साहब, कितना अच्छा लग रहा है भाई साहब, कितने दिनों बाद पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा। अगर कीर्ति और वरुण होते तो और भी अच्छा लगता। अनुज भैया, दिलीप भैया और नैना भाभी का तो ये कब से ही सपना है, मगर उन दोनों को सैर सपाटों से फुर्सत मिले तो ना। अब अभय और श्रद्धा कहाँ रह गए? अरे हमारे अभय की भी उम्र बहुत लंबी है, नाम लिया और आ गया।
अरे बेटा कैसा था तेरा पहला दिन काम का? अच्छा गया सब कुछ कि नहीं? चला पहले यहाँ टिफिन रख और ये बता तूने खाया कि नहीं? चला जा बैठ जा, आजा आजा बैठ जा। अरे तू थक गया होगा ना? अरे पहला दिन था ना तेरे काम का, देख सारी तेरे पसंद की चीजें बनी है। भाई दावत के मुख्य अतिथि तो पहुंच गए हैं, भोजन शुरू किया जाए। मम्मी मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। अरे कैसे बाद में खा लोगे? अरे काम की चिंता में खाना पीना मत भूल जाओ, वरना ताकत कहाँ से आएगी तुम्हें काम करने की? हाँ ये हाँ बोला ना मुझे नहीं खाना है अभी। अरे माँ इतने प्यार से खिला रही है, थोड़ा खा लो ना बेटा। आज ना हम तुम्हें अपने हाथ से ही खिलाएंगे, ये ले चल मुंह खोल। अरे खा लेना बेटा। अरे एक एक निवाला तो ले ले। अरे अरे क्या जबरदस्ती है, जब मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं खाना तो बस नहीं खाना है। क्या बदतमीजी है, ये कोई तरीका है माँ से बात करने का? सब लोग अपना काम छोड़कर तुम्हारी खुशी बांटने आए हैं, तुम बदतमीजी कर रहे हो। अगर ये खुशियां मेरी जॉब की है ना तो रहने दीजिए, कोई नौकरी नहीं है मेरे पास। छोड़ दी है मैंने ये नौकरी। इतनी मुश्किल से पहली बार नौकरी मिली थी, उसमें भी पहले ही दिन में धक्के मार के निकाल दिया बेचारे अभय को। चल कोई नहीं, तुझे पैसों की चिंता करने की क्या जरूरत है, श्रद्धा अच्छा खासा कमाती है, तेरा घर अच्छे से चल जाएगा। क्या मौका है, क्या बोल रही हो, कुछ समझ में आता है ऋतु? बोलने से पहले दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। भैया आप हमें क्यों डांट रहे हैं, हमने कहा कुछ गलत कहा? हम तो सिर्फ उसे यही कह रहे थे कि उसे पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज एक नौकरी गई तो कल दूसरी मिल जाएगी। बुआ जी अभय वैसे ही इतना हर्ट था और आपने ना जले पे नमक छिड़क दिया। पहले तुम तो ना बड़ों के बीच में बोलना बंद कर दो। भैया हमारा तो कहने का यही मतलब था कि जवान खून है, गुस्से में आके कोई ऐसा वैसा कदम ना उठा दे। हमारा मतलब है कि कैसे कंपनी है ये, पहला दिन था उसका, अरे नया लड़का है, नहीं कर पाया काम तो क्या एक मौका नहीं देंगे? मगर नहीं, फट से पहले दिन निकाल दिया धक्के मार के। एक मिनट बुआ जी, अभय जी को किसी ने धक्के मारकर नहीं निकाला है, बल्कि ये खुद ये जॉब छोड़कर आए हैं। इनके बॉस बेईमानी से अपने सेल्स बढ़ा रहे थे, जिसके कारण कस्टमर्स को बहुत लॉस हो रहा था। अपने ऑफिस में ये वो पहले इंसान हैं जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। तो क्या बॉस से ही झगड़ा कर लिया? बुआ जी जो आज अभय जी ने किया है ना, अपनी नौकरी की परवाह ना करते हुए सच का साथ दिया है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। हर किसी में नहीं होती है ये हिम्मत, पर इनमें है। आज मेरे बेटे ने मेरा सर वक्त से ऊंचा कर दिया, जो भी किया है उसने ठीक किया है। अनुज अभय को तुम्हारी जरूरत हो उससे एक बार बात जरूर कर लेना, हम लोग चलते हैं। मगर खाना हम नीचे भिजवा देंगे। जल्दी भिजवाइए। श्रद्धा बेटा एक मिनट जरा आइए, आपसे बात करनी है। जी ताई जी। ए
इन्हें क्या बातें करनी है हमारी बहू से? एक तो ऐसे ही अभय परेशान है और ये है कि श्रद्धा से बातों में लग गई है। के आदमी दो साल से घर पे बैठा था, वो मैंने तुझे नौकरी दी, मेरा एहसान मांगने की बजाय ये कुत्ता हम पे ही भौंक रहा है। दो सेकंड नहीं लगेंगे तुझे ऑफिस से बाहर फेंकने में। तुझे पैसों की चिंता करने की क्या जरूरत है? श्रद्धा अच्छा खासा कमाती है, तेरा घर अच्छे से चल जाएगा। बेटा, बड़ी खुशी हुई हमें ये देखकर कि अभय के मुश्किल की घड़ी में आप उनके साथ खड़ी रही। किस्मत वालों को ऐसी बहू मिलती है। जीते रहिए। बेटा, आपको रिश्ते जोड़ना भी आता है और निभाना भी। दुख तो इस बात का है कि आपके जितने आधे गुण भी अगर आपकी बहन कीर्ति में होते ना, तो हमारा घर भी सवर जाता। ताई जी, मैं अब आज की ही बात देख लीजिए, सुबह से निकले हैं वरुण और कीर्ति, टाइम देख लीजिए, अब तक नहीं आए हैं। अब अपने घर की तरफ भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं या नहीं, अब आप ही समझाइए कीर्ति को। आप चिंता मत कीजिए ताई जी, वो कीर्ति में थोड़ा बचपना है, पर मैं उसे बात करती हूँ एक बार। शायद हमारी ही किस्मत खराब है कि हम आप जैसी बहू होने की उम्मीद कीर्ति से रखते हैं। अरे किस्मत तो हमारी खराब जो सब हमारे अभय पे नजर लगाने पे तुली है। अरे आरती, तू यहाँ क्यों खड़ी है? जाके मिर्ची लेके आ, हम तो आज ही अभय की नजर उतार के ही रहेंगे। ताई जी, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा, मैं करूंगी कीर्ति से बात। ये बू कैसी, ये धुआं कैसा? हमारे बच्चे को नजर लग गई, आओ हम तुम्हारी नजर उतारते हैं। ये माता रानी, हर बुरी बला और बुरी नजर से हमारे बच्चे को बचाओ। नहीं, क्या पागलपन है ये, क्या कर रही है आप? अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी तकलीफ समझते हैं। यहाँ तो ना सबको ना तुम्हारी नौकरी पसंद है और ना तुम्हारी सर्व गुण कमाऊ पत्नी। अरे देखो ना, इसीलिए तो नजर लगी है, कितना धुआं निकल रहा है, तुम कितना खास रहे हो। मम्मी क्या बोल रही है आप, थोड़ी देर चुप रही है बस, मुझे अकेले में रहने दीजिए, आप जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए, आप जाइए। हम अभय की खुशियों की नजर उतार के ही रहेंगे, भले रात कितनी भी काली बीती हो लेकिन सुबह उजाले वाले ही होगी। हाँ, नमस्ते सक्षम जी। भाभी, हमारी बात मानिए और उठाइए फोन, कीजिए अश्वी जी को फोन, बताइए कि उनकी बेटी कितने ड्रामा कर रही है, अब वही उसे समझाएंगे। शर्म लिहाज तो है नहीं, सुबह से निकले हुए हैं आपसे झगड़ा कर। अरे कम से कम वक्त ही देख लेते। तो कीर्ति तो है ही लापरवाह, मगर वरुण, उसे तो आपके बारे में सोचना चाहिए था ना। रितु, आग में घी डालने के अलावा कुछ और करते भी हो तुम? भैया हम तो ऊपर हुआ ड्रामा कम पड़ गया तुम्हें तो यहाँ भी शुरू हो गई। अरे बच्चों की नई नई शादी हुई है, साथ साथ घूमेंगे फिरेंगे नहीं तो एक दूसरे को समझेंगे कैसे? हमारे वाला जमाना तो अब रहा नहीं। मगर भैया आप वक्त देखिए कितनी बस बच्चे नहीं है वो कि देर से आए और डांट दिया। आ जाएंगे, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, श्रद्धा बेटी खाना भेज दे तो हमें बुला लेना।
इन सब चक्करों में खा भी नहीं पाए, भूखे हैं हम कब से, और हमें ही डांट दिया भैया ने। अभी बहुत भूख लगी है। श्रद्धा बेटा, पापा, अरे बस बस बेटा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ पापा। और अचानक इतनी रात को कैसे? मम्मी कहाँ है? बेटा मम्मी को तुम्हारी नानी के पास जाना पड़ा, तुम्हें तो पता ही उनकी तबीयत का, और कुछ पेपर्स भी साइन करने थे। आ जाएगी जल्दी। क्या हुआ पापा, आप टेंशन में लग रहे हैं, सब ठीक है? नहीं बेटा, बस कीर्ति की चिंता होती है। फिर नीचे नैना जी मिली थी, वो काफी नाराज थी उससे, कह रही थी कि रोज वो बाहर चली जाती है और देर तक लौटते हैं वो लोग। ऋतु जी भी बता रही थी कि अभी तक वो लोग लौटे नहीं है, एक फोन तक नहीं किया। पापा हो सकता है वरुण जी की छुट्टी होगी तो इसीलिए वो लोग बाहर गए होंगे। अरे क्या रोज कीर्ति इसी तरह करती है? अब मुझे समझ जाना चाहिए कि उसका ससुराल है, मायका नहीं। उसे ये बचपना छोड़ देना चाहिए अब। पापा आप परेशान मत होइए, ये कोई रोज का नहीं है, और धीरे धीरे वो भी एडजस्ट कर रही है। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। अरे सक्षम भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बंची। अरे बेटा पापा घर आए हैं और तुम उन्हें बैठाई भी नहीं हो। हाँ, और हाँ भाई साहब, आज आप खा कर ही जाएंगे यहाँ से। अरे नहीं बंची, खाना मैं खा कर आया हूँ। अरे भाई साहब, पर चाय तो पी सकते हैं आप। श्रद्धा बेटा, तुम ना पापा के लिए एक अच्छी सी चाय बनाओ। वैसे भी हमने सुना है कि आपको श्रद्धा की हाथ की चाय पसंद है। चलो जाओ। भाई साहब आइए ना, बैठते हैं। आइए। भाई साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। भाभी अब कहने को बचा ही क्या है, पिता को असली तस्वीर बेटी की दिखा ही दिए। अब वो ही समझाएंगे अपनी बेटी को कि सिर्फ घूमना फिरना ही जिंदगी नहीं होती। लीजिए आ गए दोनों। वैसे आप लोग भी कमाल है, घूमने फिरने में इतने व्यस्त हो गए कि आप लोगों को ये भी याद नहीं रहा कि भाभी को एक फोन करके बता दे कि देर से आने वाले। देखिए हमारी भाभी नाराज हो गई है। सॉरी मम्मी, वो लेट भी इसलिए हो गए क्योंकि आपके लिए शॉपिंग कर रहे थे। मम्मी जी वो हमसे ना गलती होती रहती है, हमने ना बहुत प्यार से आपके लिए ये साड़ी चुनी है। आई होप आपको पसंद आए और आप हमें माफ कर दें। वो मम्मी एक्चुअली देर भी इसलिए हो गई क्योंकि कीर्ति को कोई साड़ी पसंद ही नहीं आ रही थी। वो कह रही थी कि मम्मी जी के लिए साड़ी ले रहे हैं तो बेस्ट ही होनी चाहिए। बहुत सारी साड़ी रिजेक्ट करने के बाद फाइनली ये पसंद आई तो हम आपके लिए ले आए। मम्मी चलिए अब बहुत देर हो गई है तो हम भी चेंज कर लेते हैं।
भाभी ये तो पूरे का पूरा मौसम ही बदल गया। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।